19 की सिचुएशन के बारे में अपने बेगूसराय जिला में उससे आप लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बेगूसराय जिला में पिछले 10 दिनों में काफ़ी तेज़ी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, और 1 मार्च के पश्चात अभी कुल 157 कोविड पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं, जिसमें से एक्टिव केस अभी 91 है, और आज 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। उनकी उम्र दोनों लोगों की 65 साल से ऊपर की थी, उसके आलोक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 60 साल से जितने ऊपर के व्यक्ति हैं उन सभी को हम लोग अस्पताल में आइसोलेशन में रखेंगे, होम आइसोलेशन के लिए अभी अलाउ नहीं करेंगे। टेस्टिंग अभी तक 1 मार्च से अभी तक कुल 44,469 कराया जा चुका है। इस बार के जो सेकेंड वेव में हम लोग ज़्यादा फोकस RT-PCR और TrueNet पे कर रहे हैं, एंटीजन से भी करा रहे हैं टेस्टिंग, लेकिन ज़्यादा हम लोग RT-PCR पर फोकस कर रहे हैं। अभी तक कुल 44,469 में से 21,692 RT-PCR टेस्ट हुआ है, 4,270 TrueNet हुआ है, 18,500 एंटीजन हुआ है। पॉजिटिविटी रेट हम लोग का 0.34 है, और प्रखंडवार हम लोग अगर देखें जो पॉजिटिव केसेस का जो एक्टिव केसेस हैं, तो सबसे ज़्यादा 91 में से 64 केस बेगूसराय सदर के हैं। इसके अलावा बाकी सभी ब्लॉक्स में सिंगल डिजिट में है, तो शहरी क्षेत्रों में हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए विशेष रूप से उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम में और सभी नगर निकायों में माइकिंग आज से प्रारंभ की गई है। लोगों से अपील किया जा रहा है कि लोग मास्क पहन के बाहर निकलें, और जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, और कहीं भी भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें, और साथ में सैनिटाइज़र भी रखें, और अगर सुविधा उपलब्ध है समय समय पर हाथ भी धोते रहें और हाथ को सैनिटाइज भी करते रहें, तभी हम लोग इससे बचाव अपना कर पाएंगे। एक्टिव केसेस को सर होम क्वारंटाइन, हाँ, उसमें 91 में से 6 मामले हैं जो पटना में अभी हैं, और बाकी लोग जो थे वो होम क्वारंटाइन हैं। सर जिले में कुछ ऐसे भी अभी भी कोचिंग संस्थान और स्कूल्स हैं जो कि अभी भी चल रहे हैं सर? नहीं, ये हम लोगों को जैसे जैसे सूचना मिल रही, डायरेक्शन सबको दिया गया, आप लोगों के माध्यम से भी सभी कोचिंग संस्थानों को, सभी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को भी ये सूचना, ये सरकार का आदेश मिल गया है, और मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ सभी लोग उसका अनुपालन करें, और कहीं भी अगर हम लोगों को सूचना मिलती है कोई चुपके से खोले हुए अवैध रूप से, तो हम लोग उसमें प्राथमिकी दर्ज करके ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करें। महामारी में शासन और प्रशासन दोनों पत्रकार को सुरक्षा की बातें करते रहे हैं, ऐसे में पुलिस किसी भी कानून का अनुपालन कराने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है सरकार की, और कोरोना की जो वैश्विक महामारी है ये हम लोग को 1 साल का अनुभव है इसका, सभी लोगों को है, इससे बचने के उपाय क्या हैं ये भी सभी लोगों को मालूम है, और अभी रिसेंट टाइम्स में जो दूसरा वेव चल पड़ा है कोरोना संक्रमण का, बेगूसराय ज़िले में भी कुछ नए मामले आए हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसके लिए लगातार पिछले 1 साल से जागरूकता अभियान चल रहा है, आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग भी किए हैं, सभी लोगों को पता है 3-4 उपाय हैं उसके, और उसी का अनुपालन करना जिससे इस चेन को रोका जा सकता है, हाथों को साफ करते रहना, मास्क पहनकर आमने सामने बात करना, और 2 गज की दूरी बनाए रखना। चौथी कड़ी जो इस साल प्रारंभ हुई है वो टीका लगवाने वाला एक महत्वपूर्ण कड़ी है, तो जितने भी लोग हैं एलिजिबल उसके लिए वो लोग टीका अवश्य लगवाएं। लेकिन साथ साथ ये अपील हम लोग जो करते हैं बार बार, और हम लोग को सभी प्रशासन को, पुलिस को, जो सड़क पर आकर ये अनुपालन करवाना होता है, कहीं ना कहीं दुख होता है हम लोगों को कि ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप ही लोगों के बचाव के लिए है, आपके परिवार के बचाव के लिए है, और इतने समय के बाद भी अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा दुख होता है हम लोगों को। लेकिन आज जो हम लोग गए थे जाँच करने के लिए संयुक्त रूप से, तो ये देख कर खुशी हुई कि अभी जागरूकता बढ़ी है लोगों में, कई लोगों ने मास्क पहन रखा था, ऑलमोस्ट सभी ने, कुछ लोगों ने जो नहीं पहना था उनको हम लोगों ने चालान किया है। लेकिन एक बार फिर हम लोग अपील करेंगे, आप लोग, हम आपको पहले भी एक उदाहरण दिए थे, मोबाइल पे हम लोग कितना खर्चा करते हैं उसका प्रोटेक्शन के लिए, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, बैक गार्ड लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं मोबाइल बचाने के लिए, लेकिन अपने जीवन बचाने के लिए छोटे से उपाय, जो सस्ता उपाय है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए पुलिस को, प्रशासन को उतरना पड़ रहा है रोड पे। ये नहीं होना चाहिए, ये स्वयं आप लोगों को, जो जनता है उसको स्वयं समझना चाहिए कि ये उनके बचाव के लिए हम लोग कर रहे हैं, उनको खुद से अनुपालन करना चाहिए इसका। भगवान न करे किसी के, अगर किसी घर में कोई जवान व्यक्ति है उसको संक्रमण कहीं से हो जाता है, मान लीजिए उसको पता भी नहीं चलेगा,
उसको पता भी नहीं चलेगा और अपने घर में जाके वो फैला सकता है जहाँ पे ऐसे लोग हों जो संक्रमण से जिनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो अपने परिवार के बचाव के लिए लोगों को ये जागरूक होना जरूरी है। मृतक के पुत्र ने उसके आधार पर प्राथमिकी हुई है, अनुसंधान चल रहा है, जो भी बातें सामने आएंगी आप लोगों को।